एंड इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फैन से। उसके बाद हम देखेंगे कोहली, स्काई, शुभमन गिल और रोहित शर्मा को बॉलिंग करते हुए। वर्ल्ड कप सीरीज का पहला इंडिया का मैच हो रहा है बैंगलोर में, वो भी दिवाली के दिन। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग दिवाली के दिन भी इंडिया को चीयर करने के लिए स्टेडियम में मौजूद हैं। कीप वॉचिंग दिस व्लॉग टू विटनेस सो मेनी आइकॉनिक मोमेंट्स इन दिस सीरीज। So, आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया का मैच देखने के लिए। मैंने कभी भी इंडिया को खेलते नहीं देखा। वी हैव बीन टू आईपीएल मैचेस बट फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग आज जा रहे हैं वो भी वर्ल्ड कप का मैच देखने। आज है इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स का एंड आज है दिवाली भी, तो हमने जल्दी जल्दी से सुबह सुबह पूजा कर ली है एंड होपिंग कि आज वापस लौट के हम दिवाली एंड इंडिया की 9 out of 9 विन भी सेलिब्रेट करेंगे। कीप वॉचिंग द व्लॉग, आपको दिखाएंगे कि स्टेडियम में कैसा माहौल है दिवाली के दिन स्पेसिफिकली। एंड आई एम होपिंग फॉर टू बिग माइलस्टोन्स, ए कोहली की 50th सेंचुरी, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हैपनिंग, एंड बी मुझे लगता है इफ इंडिया बैट्स फर्स्ट तो इंडिया कैन स्कोर 400 एंड प्रोबेबली इट वुड बी वन ऑफ द, आई थिंक दैट हैज हैपेंड लेस देन 5 टाइम्स इन द हिस्ट्री, सो प्रोबेबली दैट कैन हैपन। फिंगर्स क्रॉस्ड। आज दिवाली के बावजूद इतनी ज्यादा भीड़ थी स्टेडियम के बाहर, आप ये देख सकते हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ स्टेडियम एंड बहुत ज्यादा खतरनाक चेकिंग के बाद इनको तो आपने हर मैच में देखा ही होगा। इनका नाम है सुधीर कुमार चौधरी और ये हैं सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फैन। एंड आपने इन्हें इंडिया के ऑलमोस्ट हर मैच में देखा होगा एंड मैच के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स पर ये फ्लैग को इसी तरह से लहराते हैं। और इस मोमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं, वो हैं टीयर्स एंड गूज़बम्प्स। मैच की स्टार्टिंग में ही एक छक्का हमारी रूफ पे पड़ा था एंड लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। एंड ये वो मोमेंट था जिसका वेट मैं पूरे दिन से कर रही थी, वो है कोहली की एंट्री। और होती है श्रेयस अय्यर की भी हाफ सेंचुरी कंप्लीट। एंड ये है कोहली की हाफ सेंचुरी का सेलिब्रेशन एंड मैं ऑलमोस्ट गिरने वाली थी, बट जो एक्साइटमेंट था उसकी कोई डिस्क्रिप्शन हो ही नहीं सकती। Go!
बट ये एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा देर तक नहीं रही क्योंकि कोहली आउट हो गए एंड उनकी 50th ओडीआई सेंचुरी इस स्टेडियम में देखने का मेरा सपना पूरा टूट चुका था। लेकिन फिर भी इंडिया तो अच्छे फॉर्म में थी ही एंड बाकी सारे प्लेयर्स ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया और उसके बाद चौके और छक्के लगना स्टार्ट हो चुके थे। एंड वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी भी कंट्री के सारे टॉप 5 बैट्समैन ने हाफ सेंचुरी कंप्लीट की हो, वो आज के मैच में हुआ था। एंड ये होती है श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की पार्टनरशिप ऑफ 100 रन्स। और ये मारा केएल राहुल ने चक्का। के साथ होती है केएल राहुल की सेंचुरी एंड वी वर सेलिब्रेटिंग टू द फुलेस्ट। स्टार्ट हुआ एक्चुअल दिवाली सेलिब्रेशन चिन्नास्वामी स्टेडियम में। इतने सारे लोग एक साथ इंडिया के लिए चीयर कर रहे थे, आई थिंक इससे बड़ा दिवाली सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकता था। आपका गेस तो फेल हो चुका है और मैं जीत चुकी हूँ। मेरे टारगेट जो है वो है कितना, 410। एंड इंडिया की टीम फील करने के लिए आ चुकी है एंड लुक एट कोहली, वो हम लोगों को चीयर करने के लिए बोल रहे थे एंड हमारे साथ क्लैप भी कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह जो हमारे साइड पर आए थे फील्डिंग करने के लिए, जैसे ही वो आ रहे थे हम सब लोग बूम बूम बुमराह कह के चिल्ला रहे थे। एंड ये है क्राउड एक्साइटमेंट विराट कोहली के लिए जो कि उनके साइड पर गए थे फील्डिंग करने के लिए। एंड गिरता है नेदरलैंड्स का एक और विकेट एंड यू कैन सी द सेलिब्रेशन। ये छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड चीयर कर रहे थे एक एक बॉल पर। और ये है इस गेम के प्लेयर ऑफ द मैच जो कि हमारे साइड पर आए थे फील्डिंग करने के लिए। Five,
फैंस ने बोला कोहली को बॉलिंग दो एंड कोहली आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए। देख सकते हैं कि सब लोग खड़े होकर के उनकी वीडियो बनाना चाहते थे। कोहली की सेंचुरी तो नहीं बट कोहली ने जो विकेट लिया था वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनुष्का शर्मा भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज दिख रही थी स्क्रीन पर उनको जब दिखाया गया। एंड उसके बाद हमने देखा शुभमन गिल को फॉर द फर्स्ट टाइम बॉलिंग करते हुए। एंड मेरे ख्याल में शुभमन गिल इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे ऑडियंस से सारा सारा सुन करके, इसलिए इन्होंने सोचा कि हम बॉलिंग ही कर लेते हैं यार, मतलब वहाँ तो एटलीस्ट लोग मुझे नहीं चढ़ाएंगे। ले लिया है जसप्रीत बुमराह ने एक विकेट और आप देख सकते हैं स्टेडियम में एक्साइटमेंट अब और ज़्यादा बढ़ने लगी है। एंड हैट्स ऑफ टू सुधीर कुमार चौधरी जो डेडिकेटेडली इस फ्लैग को इस तरह से हर मोमेंट पर लहरा रहे थे। एंड यस वी ऑल्सो मिस सचिन तेंदुलकर। और इसी एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट के लिए ही हम स्टेडियम में आए हैं मैच देखने, वो भी दिवाली के दिन। और शुभमन गिल, स्काई और विराट कोहली के बाद अब आए हैं रोहित शर्मा बॉलिंग करने के लिए एंड इन्होंने एक विकेट भी लिया। एंड ये मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ इंडिया की विन जो कि 9 out of 9 मैचेस हम जीत चुके हैं। मैं बोल रही हूँ कि भाई वर्ल्ड कप हमें ही दे दो यार, सेमीफाइनल फाइनल कराने का खर्चा क्यों करना चाहते हो आप लोग यार। स्पेशल सल्यूट टू द नेदरलैंड्स टीम जो कि फील्ड में इस तरह से वॉक करके हम सबको ग्रीट कर रहे थे। एंड आई वॉन्टेड टू से कि ये सभी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं हैं, ये लोग एक अलग जॉब भी करते हैं, दिस इज़ अ पार्ट टाइम गेम फॉर देम। उसके बावजूद भी इन्होंने इंडिया को
कड़ी टक्कर दी और इतना अच्छा हमें आज गेम देखने को मिला। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।